A very good morning, students. You are most welcome in ABN JJN online class. आज हम अपनी इस क्लास में एक्सरसाइज 3.6 सॉल्व करेंगे, जो आपके मैथ के बुक के पेज नंबर 63 पे है. 63 पेज नंबर सब निकालिएगा. एक्सरसाइज 3.6. इस एक्सरसाइज में हमें क्या फाइंड करना है? एच सी एफ. आज क्या पढ़ेंगे? एच सी एफ. एच सी एफ क्या होता है? द हाइएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू और मोर गिवन नंबर्स. इज द हाईएस्ट ऑफ देयर कॉमन फैक्टर्स. एचसीएफ को जीसीडी भी बोलते हैं. जीसीडी मींस ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर. ठीक है. एच सी एफ क्या होता है? टू और मोर जो आपको नंबर्स दिए हुए होते हैं उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो हम निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है वो ही एच सी एफ होता है. एच सी एफ को जी सी डी भी बोला जाता है, यानी कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर. अगर आपको एच सी एफ की जगह ये बोलें कि फाइंड जी सी डी, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है. एच सी एफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जी सी डी ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर. दोनों ही सेम चीज है, दोनों एक जैसे ही है. इनको चाहे जी सी डी बोले या एच सी एफ बोले. अब टू और मोर जो नंबर्स आपको दिए हुए हैं उनमें आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालेंगे? तो आप देखिए, सपोज मेरे पास नंबर है 20, 28 और 36. ये थ्री नंबर मेरे को गिवन है, दिए हुए हैं. इसका अगर मुझे एच सी एफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर निकालना है, तो इसके लिए जरूरी होता है कि पहले जो भी नंबर जितने भी हैं टू और थ्री, उनके इंडिविजुअली आपको फैक्टर्स निकालने हैं, प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं. जैसे ये 20 आपका नंबर है, तो सबसे पहले हम इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन इसका करेंगे, और उसके लिए सबसे छोटी डिजिट से डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं. तो 2 10 जा 20, 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5. जब तक 1 नहीं आ जाता, तब तक हमें क्या निकालने होते हैं? इसके प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने होते हैं, डिवाइड करते रहना होता है डिजिट्स को. अब 28 को देखो, 14 टाइम 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं. 2 7 जा 14, 7 1 जा 7. इसी तरह अगर अपन 236 का निकालें, तो 18 टाइम ये 2 से डिवाइड हो रहा है, फिर 9 टाइम हो रहा है, फिर 3 से 3 टाइम और ये 1 टाइम. अब यहाँ पर देखो, तीनों के फैक्टर हमें यहाँ पर लिखने हैं. 20 के फैक्टर मेरे पास है 2 × 2 × 5. ये हम एक एग्जांपल ले रहे हैं. उसके बाद अपन एक्सरसाइज 3.6 स्टार्ट करेंगे. अब यहाँ पर अगेन हमारा है 2 × 2 ×
सेवन और 36 के फैक्टर अगर हम निकालेंगे तो हमारे पास निकले 2 × 2 × 2 × 3 × 3। अब क्योंकि हमें कॉमन फैक्टर लेने हैं, क्या लेने हैं? कॉमन। थ्री डिजिट्स हमारे पास हैं, तीनों डिजिट्स के फैक्टर हमारे पास हैं, लेकिन इन फैक्टर में से एचसीएफ निकालने के लिए हमें तीनों में जो कॉमन फैक्टर है उनको लेना है। अब यहाँ पर आप देखो, टू कॉमन फैक्टर है, तीनों में टू आया है ना। यहाँ पर 5, 7 और 3, ना तो 5 इन दोनों में है, ना 7 इन दोनों में है, ना 3 इन दोनों में है, तो जो कॉमन नहीं है उसको हम छोड़ देंगे और एचसीएफ में ओनली कॉमन फैक्टर ही लेते हैं। तो मेरे पास 2 × 2 यहाँ पर कॉमन आया है तीनों में, और 2 × 2 = 4, यानी कि 4 इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, या हम बोल सकते हैं कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर है, यानी कि 4 से हम 20, 28 और 36 तीनों को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, बड़ी से बड़ी डिजिट है वो 4 है, जिससे हम 20, 28 और 36 को डिवाइड कर सकते हैं। तो ये होता है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब एक्सरसाइज 3.6 में चलते हैं। थ्री पॉइंट सिक्स का पहला क्वेश्चन आप देखिए, यहां पर है 18, 48। सेकंड क्वेश्चन आपके पास है 30 और 42। थर्ड क्वेश्चन आपके पास है 18 और 60। फोर्थ क्वेश्चन आपके पास है 27 और 63। तो एक बार अपन 4 क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो, सबसे पहले मेरे पास 2 नंबर हैं 18 और 48। तो हमें इसका दो तरीके से हम HCF निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें 18 का फैक्टर निकालना है। तो फैक्टर निकालने के लिए पहले आपने जैसे फैक्टर्स निकाले थे उसमें यहाँ पर आपने देखा था 2 9 जा, अब 9 जो हमारा है उसको वापस से 3 × 3 में डिवाइड कर दिया, तो ये हमारे 2, 3 और 3 ये कॉमन फैक्टर आ गया। इसी तरह से अगर 48 का निकाला तो 2 और 24। अब 24 है उसका अगेन 12, अब 12 का फैक्टर वापस निकलेगा। ये तब तक निकालते जाते हैं जब तक कि हमें प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं मिल जाता, और इस तरह से ये 2 × 2, 2, 2 और 3 ये 48 का आपका फैक्टर निकल आया। लेकिन यहाँ पर आप ये देखो, ये जो फॉर्मूला है ये थोड़ा सा बड़ा पड़ जाता है ना भाई। यहाँ पर जैसे मैं आपका लिखूंगी 2 × 3 × 3, ये हमें फैक्टर मिला। 48 का भी अगर मैं निकालूंगी तो ये देखो 2 × 2 × 2 × 2 × 3। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे कॉमन फैक्टर 2 है और यहाँ पर 3 है।